गोभिया के भी 40 के लोग होंगे। श्रेणी है जी, श्रेणी कितने हैं? श्रेणी 8 प्लस का है जी। अच्छा जी, और हमारी तो ये है जी, शांति पूर्वक चुनाव और आम जनता के बीच में ये गिनती होगा की जी गांव में चर्चा खूब अच्छी तरह चुनाव में लफड़ा होगा। ये अपील है जी आपसे कि शांति पूर्वक चुनाव कराया जाए और शांति पूर्वक व्यवहार कराए, उसी तरह निपटेंगे हम। हमारी आटा चल रहा है उसका रिक्वेस्ट है जी। बिल्कुल हाँ, आप बताओ। तो मैं कह रहा हूँ सर, जो उस टाइम पर जो लफड़ा हुआ था जी, तो रह गिरने के लिए मैं भी आया जी। फिर जो लाइन है 10 बजे तक 9 बजे तक कौन रह गिरेगा जी? 9 बजे? हाँ, 9 बजे तक इलेक्शन चलेगा जी। 6 बजे हो गए और उसके बाद वो लफड़ा हुआ था जब वहाँ मशीन उठे, लाइन लंबी लग गई थी ना जी। कुछ नहीं, नारेबाजी बाहर आपस में करे थे जी, अंदर कोई नहीं था। गाँव वालों को ये है जी, जो कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा इलेक्शन के टाइम में, ठीक है, जो भी गड़बड़ी करेगा उससे हम सख्ती से निपटेंगे। तो सुवेदी सिंह बताया गया कि पीछे भी यहाँ झगड़ा हुआ था इलेक्शन के टाइम? नहीं, झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ, पिछली बार भी आराम से इलेक्शन हुआ था। रिजर्व सीट थी ये, वो 10 में बता रहे हैं काउंटिंग, हाँ काउंटिंग गोवाना हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, आने देंगे, बढ़िया इलेक्शन कराएंगे। तो क्या अपील करना चाहोगे सर ग्रामीणों को? ग्रामीणों ये अपील है, भय मुक्त हो गए, अपना मतदान करें बिल्कुल फेयर। तो किस तरह जो है फोर्स लगाई गई है सर इलेक्शन जो है 12 तारीख का और 9 तारीख का?
भरपूर फोर्स लगा दी हमने, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोलिंग पार्टियां भी हैं अलग अलग छह, और बूथ वाइज भी दो दो आदमी लगा दिए हैं। स्कूल के अंदर भी एक पेट्रोलिंग पार्टी, जिस तरह से चुनाव चल रहा है और असले भी जो है गांव में काफी लोगों के पास होती है, 80% असले जमा हो गए हमारे गोवाना ब्लॉक के, मुडलाना के और कथोरा के, 20-1% रह गए, वो एक या दो दिन में जमा हो गया।